चाहता हूँ मैं। एक तो ये है कि जैसे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज के मुताबिक काम करने वाले साथी हर दो साल निज़ामुद्दीन आया करें, तो उसके मुताबिक हम लोग 81 से अमेरिका वाले हर दो साल को आते हैं। उस वक्त मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सेहत आप थे, वो सेहत में थे, उस वक्त से हम जाते हैं। और आपके इंतकाल हुए 20 साल हो चुके हैं और उस वक्त से फिर हम हर दो साल आते रहते हैं निज़ामुद्दीन को। तो ये निज़ामुद्दीन का हमारा आमद सिर्फ और सिर्फ मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज के मुताबिक है कि उसकी वजह से हम आते हैं। और दूसरी वजाहत मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं 1960 से इस काम में लगा हुआ हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का दौर भी देखा हूँ मैं और मौलाना इनामुल हसन साहब का दौर भी मैं देखा हूँ। तो अब ये दोनों और निज़ामुद्दीन की जो है निस्बत की वजह से और निज़ामुद्दीन के साथ जुड़े रहने की वजह से मुझे 45 साल हुए अमेरिका जाकर। वहाँ पर उस वक्त तो कोई माहौल नहीं था, दीन पर जमे रहना और दीन पर बाकी रहना और इस काम की फिक्र लेकर चलना और काम में जुड़े रहना, ये सिर्फ और सिर्फ निज़ामुद्दीन की निस्बत की वजह से है। अल्लाह हू अकबर। निज़ामुद्दीन की आमद हर दो साल में और जाने आने की वजह से मेरा और हमारे बच्चों का भी जो है, मतलब यह है कि हमारे घर का भी एक इस काम के साथ ताल्लुक है। और जो लोग हम देखे हैं कि जो लोग जो है पहले बड़ी कुर्बानियां भी दिए हैं लेकिन उनका ताल्लुक कोई निज़ामुद्दीन के साथ नहीं है, तो उनका भी हाल और उनके घर वालों का भी हाल ज़रा इस वक्त जो है मतलब यह काम के साथ नहीं है। दूसरी बात यह है कि मौलाना शुरू से हर दौर में एक अमीर रहे हैं और एक हजरत जी रहे हैं, तो इस दौर में भी एक ही अमीर होना चाहिए और एक ही हजरत जी होना चाहिए। इंशाअल्लाह तो अमीर मौलाना साद साहब है और हजरत जी मौलाना साद साहब है। इंशाअल्लाह अब ये बात समझाना है कि अब इस वक्त से मौलाना साद साहब दामत बरकात हम को हजरत जी के नाम से मुखातिब करें। हम जब मुखातिब करेंगे हम उनको हजरत जी मौलाना साद साहब दामत बरकात हम के नाम से मुखातिब करें। इंशाअल्लाह सब लोगों के साथ जो है यानी कि बहुत ही खादिमाना तौर पर अर्ज कर रहा हूँ मैं, आप लोग इस बात को खूब गौर से समझें, इससे हमारी तरक्की होगी और इस काम में हम जम के रहेंगे और इधर उधर भटकने का जो है आसार नहीं होंगे। अल्लाह ताला जो है हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए। आमीन। तकब्बल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह। तकब्बल अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह।